स्नो वैली आ रहे थे, हमको एक भैया मिले, काफी अच्छे भैया है। हम आपको नंबर, भैया का नंबर व्लॉग में गिर देंगे अगर कोई भी आए तो। भैया की आदत अच्छी है और प्राइस सबसे अच्छा लगा रहे भाई, ये चीज भी हमको अच्छी लगी। क्योंकि कल हम सोलन ट्रेनर के लिए, अगर मौसम साफ रहे तो भैया के साथ जाएंगे हम। भैया दिखाते हैं आपको, जो कोई भैया आए भैया से मिले और भैया बिल्कुल भाई बिल्कुल इंसानियत जिंदी है। ये बात मेरे को भाई को देख के मिली है। मैं भैया दिखाता हूँ आपको, काफी अच्छे भैया है। ये भैया है और भाई ये काफी अच्छे भैया है और हमको फिलहाल फ्री राइड करा रहे भैया हमको। हम ट्रैक कर रहे हैं ना भाई ने, बोला तो भैया जो कोई भी आए मेरे भैया, भैया से एक बार कांटेक्ट जरूर करना। हमको भैया को देख के मिली यहाँ पे किसी बंदे मैंने, हम क्योंकि दो दिन हो गए हमको आज यहाँ पे, हमको कोई बंदा नहीं मिला। भैया ये हमारे भैया, भाई लोगों को हमारा नमस्कार। तो भैया भाई से सब प्यार, भैया को प्यार देना और भाई जो भी आए भैया को सपोर्ट करना जरूर जरूर। तो ठीक है चलते हैं अब हम। जस्ट ये चेक पॉइंट है, इससे आगे कोई बंदा नहीं जा पा रहा है। हमने भैया से बात की है, यह अपनी टीम आ गया है। यहाँ पे पुलिस वाला भैया था, उससे बात करी है मैं कि भैया जस्ट व्लॉग शूट करना है, थोड़ा सा आगे जाना है। तो उसने बोला ठीक है थोड़ा आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा आगे नहीं जाना है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा है आगे, फिर आप दिक्कत, आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो मैंने चलो ठीक है, अब थोड़ा बहुत आगे जाके जहाँ पे कोई नहीं गया वहाँ पे जाके व्लॉग शूट करते हैं हम और सबसे अलग चीज दिखाते हैं। अरे यार चल। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. सूट बहुत करवाया हूँ, थोड़ा बहुत करवाया है, बाकी वीडियो वगैरह अपना इंस्टाग्राम के लिए। भैया स्नोफॉल और भी बहुत तकड़ी और ठंड बढ़ गई है। अब जस्ट यहाँ से फिलहाल मैगी खाने चल रही है क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत राहत मिला को मैगी पल रहे उनको लगो वो, तो हाँ सांस लेते चल के क्योंकि अब हाथ गए। जब हमने थोड़ी जो एक्टिविटी करी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, वहाँ मैं हाथ जब से सुन बहुत बुरे हुए हैं और हाथ ठीक नहीं हो रहे, जब से सुन नहीं सुन रहे, हाथ सीखेंगे चल के उसके बाद करेंगे जो भी। ये बैग बंद कर रहे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये लग रहे स्नोफॉल हो रही बहुत तकड़ी। भैया देखो मौसम खराब हो गया, अब काफ़ी तकड़ा हो चुका है यार टाइम, तो निकलने में फ़ायदा लग रहा है जो भी लग रहा है क्योंकि स्नोफॉल बहुत तकड़ी हो रही है, बहुत तकड़ी। पहले मोटी स्नोफॉल थी, यहाँ पे बारीक है पर मोटी स्नोफॉल थी वो हल्की थी, ये बहुत प्रेशर से आ रही है भाई बारीक स्नोफॉल। चलते मैगी के पास आके वीडियो यूज चालू करेंगे। तो भैया जस्ट कुछ भाई और मिल गए अपने, आपको मिलवाते हैं। हम तो अपनी गाड़ी से आए थे। ठीक है भाई अपना नाम बताना। भाई मोहम्मद जमशेद। भैया और आपका? अरमान खान। और भैया आपका? मोहम्मद गुफरान भाई। और भैया अपने भाई मिले अपने यहाँ के भाई, बहुत खुशी हुई आज हम सब लोगों को मिलने के बाद भाई। ये सब अपनी टीम है। तो अब जस्ट मैगी के मजे ले जा रहे हैं, बर्फ का तूफान बहुत तकड़ा हुआ इस टाइम। तो भैया हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लतों में कप कभी बंद गया इस टाइम। अब हमको होटल याद आ गया अपना, होटल पे चल के ही करेंगे जो कुछ करेंगे और जैसे जैसे भी होगा आपको दिखाते चलेंगे। भाई अब तूफान काफ़ी हल्का पड़ गया पर स्नो अभी हल्का नहीं है, तूफान काफ़ी तकड़ा था। 5 मिनट में गाड़ी चला गया। अब हम यहाँ से खाई पी के निकल के उसके बाद आगे का ब्लॉग शूट करेंगे। मूड खराब कर दिया, जो भी पिलाओ ना सब फेल कर दिया। कल 4 क्योंकि पहुंचे लेट हो कुछ पैदल गए, उसके कारण फिर स्नोफॉल जो पिलोन था सब फेल हो गया। मेरे तो एक जूता भी खड़ गया, तब मैं दिखाता हूँ कैसे आया मैं रूम तलक, क्या हालत हुई मेरी मैं दिखाता हूँ। मैं एक जूता भाई ये रहा और दूसरा जूता ये है भाई, तो मेरे भाई का साला तलाई गायब है। मुझे पता है मैं कैसे कैसे आया हूँ भाई होटल तलक 5 किलोमीटर चल के, और जस्ट अब आपको
आज और भी तकड़ी स्नोफॉल है यार, जस्ट आपको बाहर के नजारा दिखाता हूँ। अरे खुल जा भाई गेट। ओहो कप कपी बनती हुई बाहर आते हुए, स्नोफॉल काफी तकड़ी है पर कोई वो नहीं है, धुंध नहीं है बिल्कुल। स्नोफॉल आज कम से कम 2-2 फुट प्लस पड़ी है, यहाँ पे 2 फुट से ऊपर पड़ी है। आप ले देख सकते हो छत पे कितनी है। और अपना नया मेंबर अपने साथ ही है यहाँ पे, अपना हस्की। हम जब गए थे हम इसको छोड़ गए थे और रात ही बेर रास्ते में साथ लग गया, फिर हमने रात इसको खवाया पिलाया और अपने साथ यहीं पे रूम में सिला दिया है। अब आपको हस्की दिखाते हैं। हस्की सो रहा है और अपने देखो ये रे जमूरे जिंगाला बाबा, ये जिंगाला बाबा है, ये बाबा रामदेव है, ये बाबा राम रहीम है। और अब जस्ट अपना यहाँ से आज निकलने का प्लान है क्योंकि अटल टनल जाने का प्लान था, वहाँ का तो मेरे हिसाब से 3-5 दिन लग ही जाएंगे, जब भी रास्ता खुले नहीं खुले कोई गारंटी नहीं है। तो बर्फबारी यहाँ पे बतेरे देख लिया, अब यहाँ से सीधा चलेंगे ऋषिकेश। आज थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद ऋषिकेश का सीधा टूर है। तो चलो जैसे नहा धो के मिलते आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भैया फिलहाल नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब नहा रहे हैं और अब आपको क्लियर नज़ारा दिखाता हूँ। क्या नज़ारा है यहाँ का, आज कल से ज़्यादा स्नोफॉल है यहाँ पे, कल से भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सामने अपनी डस्टर, भाई मेरे हिसाब से 2 फुट प्लस बर्फ है इसके ऊपर। फिर सियाज भी है, सियाज का भी बुरा हाल है, सबका बुरा हाल है कारों का। और अपनी शिफ्ट तो बिल्कुल पता नहीं, जिस भैया की शिफ्ट है बिल्कुल ढक चुकी है, शिफ्ट तो कतई ढक चुकी है, आगे लाइट तलक ढक चुकी है, फिर शीशा ढक रहा है, छत ढक रही है, कुछ शिफ्ट में तो कुछ बचा ही नहीं है। और पेड़ों का देखो, और यहाँ पे ये एक पार्क है, हम 2 दिन हो गए यार मेरे को ये पार्क खुला नहीं देखा, यहाँ पे बना के छोड़ रखा है क्या, चालू नहीं है क्या यहाँ पे। और ये हमारा सुन मनोज कंघा लेता है ना भाई, तेरे भाई के बाल सेट नहीं है। ये देखो हमारा मेहनती लड़का जिंदगी की मौज लेता हुआ। अरे अपनी गाड़ी का गुजर क्लियर कर दिया है भाई ने। भैया थोड़ा तेज हाथ चला मनोज। बस बस बहुत है। सामने देखो कैसे कैसे बंदे बर्फ फटा रही है। भाई कंघा, और जस्ट बाल ठीक करने के लिए कंघा मनोज लेके आता हुआ, उसके बाद बाल सेट करेंगे। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे किनोटे पे बर्फ काफी ज्यादा है, पंप फिसलने का डर है, इसलिए यहाँ से चलते हैं अब रूम के अंदर चलते हैं, जो होगा दिखाते हैं आपको जो भी है कल, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे गए थे रास्ता पूरा यार मूड खराब हो गया कल। तो अब भी जो भी आपको दिखाते रहेंगे, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको एक हरकत और दिखाता हूँ, ये मेरा भाई है, ये देखिए इसकी हरकतें देखो मनोज भाई की हरकत। तो भैया ऐसे भाई उसके साथ रहो। जस्ट मैं अब चाय लेने जा रहा हूँ नीचे, जस्ट मेरे को एक बढ़िया चीज मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी होता है पहाड़ों पे। चाय लेने आया था आंटी के पास, यहाँ पे मेरे को तो लहसुन का तो पता ही लहसुन है, बाकी सबका नहीं पता, पर फसल देखो कैसे कैसे उगाई जाती है पहाड़ों में बोतल के अंदर। यहाँ पे जस्ट मैं आंटी के पास चाय लेने आया हूँ फिलहाल। तो आप किसी ने भी अगर ऐसी फसल होती देखे तो एक बार कमेंट करे जब सभी भाई लोग। हमने अपनी पैकिंग कर ली है, अब फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं और गाड़ी स्नो में दबी हुई है उसको क्लियर करते हैं और यहाँ से इनका अपना बिल विल वगैरह क्लियर करके आगे चलते हैं। और इसको हो गया 1 घंटा, इसका बैग पैक नहीं हुआ 1 घंटे से।
के नीचे जो भी है उसे क्लियर करते हैं, बिल वगैरह जो भी है अपना चीज, और चलते हैं अब उल्टे चलते हैं, कहीं ना कहीं रुकेंगे। चलते ये नीचे होटल में रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम रुके हुए हैं, काफी अच्छा है रेस्टोरेंट भी, और इनका जो भी टाइम कुछ है मैं आपको बता दूंगा इनके भैया के थ्रू, या पूछवा दूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या चीज़ है, जो भी आप बता पूछ लेना। ये बड़े भाई है, इनके रेस्टोरेंट में जस्ट हम यहाँ पे रुके थे, आदत काफ़ी अच्छी है भाई। आप अपनी फिर लोकेशन बता दो कहाँ पे कैसे क्या है, जो भी बंदा आए व्लॉग के थ्रू। ये है भांग में, भांग मनाली से 3 किलोमीटर रोहतांग रोड पे, भांग जगह पे श्री गणेश होटल करके। भैया जो कोई भी भैया आएगा, प्राइस काफी अच्छा लगा रहे भैया, एक बार आके जरूर चेकआउट करना, ठीक है? तो भैया चलते हैं। ओके थैंक यू। तो अपना लगेज कार में धर चुके है, नेक्स्ट टाइम 11 बज रहे हैं, दोपहर के 11 बज चुके हैं, और धूप है नहीं बिल्कुल भी, और बर्फ़ देख लो आज कितनी है। और ये हमारा भैया, इसको रहने देना यार, छत की है, छत पे क्या काम है, साइड हो गया बस। ये ओरिजिनल वाला हस्ती भैया जस्ट मनाली से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं सीधा ऋषिकेश, मजे लेंगे। नो भाई भाई इधर एडवेंचर नहीं कर पाए तो क्या होगा, ऋषिकेश में जाकर करेंगे। हाँ यार आज जाते, आज और ज्यादा बर्फ होगी, वो बर्फ बढ़ती जा रही है, तो बर्फ तो ऐसे देख ली, दो दिन हो गए।